दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरेश इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेम चेंज कैसे करें। अब तक हमने बहुत सारे हमारे यूजर्स और क्लाइंट्स का नेम चेंज कराने में उनकी हेल्प करी, गजट का नोटिफिकेशन पब्लिश करवाया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज हो गए हैं बहुत ही जल्दी और फास्ट तरीके से। तो एग्जैक्ट प्रोसेस क्या रहने वाला नेम चेंज का, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप मेरी हेल्प ले सकते हो, सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेम चेंज का प्रोसेस क्या रहने वाला है। मानकर चलिए अगर आपको कंप्लीट नेम चेंज करवाना है, अगर आपका नाम मान लीजिए यहाँ पे सोनू था और आप इसको चेंज करवा के, फॉर लाइफ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जैसे आपका नाम पप्पू है और आपको अपना नाम पसंद नहीं है पप्पू, और पप्पू से आप बदलकर इसको साहिल करना चाहते हो, तो क्या आप कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। और आपके डॉक्यूमेंट्स में भी ये नाम चेंज होता है, बिल्कुल से होता है। इसका प्रोसेस क्या रहता है, दूसरी कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए आपका नाम साहिल कुमार है और आप यहाँ पे कश्यप अपना सरनेम लगाना चाहते हो, साहिल कुमार कश्यप, और एक कंडीशन है कि आपके पिता के नाम के साथ भी सरनेम नहीं लगा हो लेकिन आप अपने के साथ में लगाना चाहते हो, दूसरी आपके पिता के साथ सरनेम लगा हुआ है और आप भी अपने में लगाना चाहते हो, और एक आता है प्रॉब्लम ये कि शादी हो जाती है जब लड़की की, तो उसको अपने पति का सरनेम लगाना रहता है, उसका क्या प्रोसेस रहता है? तो यहां पे ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चाहे तीनों प्रोसेस में जो आपका प्रोसीजर है वो सेम है कि आपको यहां पे गजट में नोटिफिकेशन निकलवाना होगा। यहां पे गजट दो तरीके का होता है, एक सेंट्रल का होता है, एक स्टेट का होता है। तो हम ऑलवेज सेंट्रल गजट का ही रिकमेंडेशन देते हैं कि आपको सेंट्रल गजट में अपना नोटिफिकेशन निकलवाना है जो कि दिल्ली से निकलता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम लोगों की ये आती है कि उनको फाइल बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में नहीं पता होता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो भी आपका गलत नाम है, जो आप जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, उस नाम के आपको यहाँ पे दो आईडी प्रूफ चाहिए होंगे, दो आईडी प्रूफ चाहिए होंगे, पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए होंगी, और यहाँ पे आपके तरफ से एक एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट के बाद आपको न्यूज़पेपर में एक ऐड देनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर में ऐड देने के बाद यहाँ पे गजट नेम चेंज के सर्टिफिकेट पर फॉर्म में है, विटनेसेस के पर फॉर्म में है, उन सभी फॉर्म को फिल करना है। एक यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर होता है, सीडी में मैटर डाला जाता है, वो बनता है कि सीडी आती है फिजिकल हार्ड, मतलब सीडी में डाल करके। ये सारी चीज़ें रेडी होने के बाद, विटनेसेस के सारे साइंस होने के बाद, आपके साइन होने के बाद फाइल कंप्लीट होती है, और फाइल कंप्लीट होने के बाद आप इसको दिल्ली जो गजट ऑफिस है वहाँ पे सबमिट करवा करके आते हो। सबमिट करवाने के बाद 45 से 60 दिन के अंदर, कई बार थोड़ा जल्दी भी आता है, कई बार इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो आपका गजट का नोटिफिकेशन वो पब्लिश होता है, जिसको आप गजट की जो ऑफिशियल वेबसाइट से उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और उस नोटिफिकेशन की मदद से आप सबसे पहले अपने आधार कार्ड में नेम चेंज करते हो, आधार कार्ड में चेंज करने के बाद अपने पैन कार्ड में चेंज करते हो, और उसके बाद में आप अपने पासपोर्ट में भी नेम चेंज कर लेते हो, और जो आपका यहाँ पे नाम रहता है वो पुराना से चेंज करके नया बन जाता है। तो यहाँ पे अब फाइल कैसे बनेगी, फाइल तो कैसे बनेगी इसके बारे में बात करते हैं। और वहाँ पे जो मेन डाउट लोगों के माइंड में ये है कि मान लीजिए मैंने अगर अपना नाम चेंज करवा लिया, तो जो मेरे नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है पुराने नाम से चल रहा भी, उनको मैं क्या बेच पाऊंगा आगे चलकर, कैसे बेचूंगा? तो इन सभी चीज़ों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले बात फाइल बनवाने की बात आती है। देखिए, फाइल बनाने का जो काम है, जो एफिडेविट का मैटर है, न्यूज़पेपर का जो मैटर है, तो अगर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो आपको ऑब्जेक्शन लग जाएगी, पूरा का पूरा बना बनाया काम आपका खराब हो जाएगा। बहुत ये सिंपल नहीं है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन, मतलब गूगल में सर्च करते हैं और वहाँ से परफॉर्मिंग कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके अपनी फाइल बना करके लेकर जाते हैं, जो कि उनके वहाँ पे ऑब्जेक्शन लग करके आ जाती है। एक यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट था, उसने क्या किया था कि अपने एफिडेविट टाइप किया था जिसमें मैटर में भी मिस्टेक तो थी, चलो उसके बाद में उसने किया क्या कि जो एफिडेविट में स्टार्टिंग का जो नाम लिखा, जो उसने नया नाम रखना था, अभी आपका नाम पप्पू है और आपने एफिडेविट साहिल से पहले ही बना लिया। हाउ इज दैट पॉसिबल? अभी आपके जितना भी साइन होंगे, जो भी फाइल बनेगी, आपके गलत नाम से ही बनेगी। नया नाम तो तभी अप्लाई होगा, तभी वो बनेगा जब एक बार गजट पब्लिश हो जाएगा। उसके पहले जो भी काम है आपका, पुराने नाम से सिग्नेचर होंगे, नए नाम की वहां पे डिटेल ऐड की जाएगी, उसका रीजन ऐड किया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है फाइल में। तो इस तरह की बहुत सारी यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं, और जो ऑनलाइन या गूगल से आप चीजों को डाउनलोड कर लो, बहुत पुराने पुराने मैटर्स पड़े हुए हैं जिसमें बोला जाता है कि
दो न्यूज़पेपर में ऐड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ एक न्यूज़पेपर की ऐड से काम चलता है जो कि आपके एरिया में वो न्यूज़पेपर सर्कुलेट होना चाहिए होता है। ओके, इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रख करके फाइल बनेगी। फाइल बनवाने के लिए आप किसी भी एक एडवोकेट से संपर्क कीजिए, लेकिन ये फाइल वही एडवोकेट बना पाएंगे जिनको इसके बारे में नॉलेज है। कई लोग तो आपको ये बोलेंगे कि भाई न्यूज़पेपर में ऐड करवा दो, उसी से काम चल जाएगा, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। कहीं पे भी लेकर के जाओगे आपसे गजट ही मांगा जाएगा, स्पेशली अगर पासपोर्ट में चेंज करवाना है कहीं पे भी, तो गजट तो मैंडेटरी, गजट ही आपको निकलवाना पड़ेगा। ओके, तो ये फाइल बनवाने के लिए, देखिए फाइल मैं खुद भी बनाता हूँ और लोगों की हेल्प भी करते हैं जिनको फाइल बनानी होती है। उसके लिए हम यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं हमारे, तो वो चार्जेस अगर आप पे करते हो तो हम आपकी फाइल भी खुद बना करके आपके एड्रेस पे कुरियर कर देते हैं, जिसको आप साइन करने के बाद दिल्ली में जाकर के सबमिट करवा देते हो और फाइल जो है बहुत ही आसानी से आपका पूरा का पूरा ये काम हो जाता है। तो एक चीज़ ये है कि हम यहाँ पर प्रॉपर गाइड भी करते हैं, अगर आपको अपने खुद से फाइल बनानी है तो वो जो भी हमारी फीस है वो आप पे करके उसकी डिटेल जो आप है नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर कॉल के ऊपर बात करना, डिस्कस करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको कंसल्टेशन बुक करनी पड़ेगी जो बहुत ही नॉमिनल से है। 500 रुपीज़ पे करके कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हो, जिसमें मैं खुद आपको आपके प्रॉब्लम जो भी उसके हिसाब से कंसल्ट करेंगे, और अगर आपको फाइल बनवानी होगी तो जो कंसल्टेशन की अमाउंट है उसमें से वो माइनस कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप कॉल करते हो या कुछ भी, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, जो कंसल्टेशन की अमाउंट आती है उससे ये हो जाता है कि इस बंदे ने करवाना है, तो उसको हम यहाँ पे पूरा प्रॉपर गाइड एंड हेल्प करते हैं। और कोई डाउट क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे अब एक चीज़ ये आती है कि अगर मान के चलो कि जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे पुराने नाम से, उसका क्या होगा। देखिए, जो भी आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको उसकी जगह पे आप नया नाम अपना यूज़ कर सकते हो, उसको बेच भी सकते हो। हर जगह पे क्या होगा, जो गजट का नोटिफिकेशन हर जगह पे आपका वो लगेगा, उसकी आप जितनी मर्जी जाए कॉपीज निकलवा लीजिए उसको, और उसके साथ साथ आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। और बहुत सारे पे लोगों का ये प्रॉब्लम आएगा कि ये मार्कशीट्स में क्या नाम चेंज हो पाएगा। देखिए, मार्कशीट में नाम चेंज करने के यहाँ पे जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा आगे लेंथी हो जाता है। अगर आपको मार्कशीट में भी चेंज करवाना है तो आपको अपने सिविल कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है, क्योंकि जर्नली जो भी आपका बोर्ड है वो करता नहीं है, क्योंकि उनकी मेजोरिटी यहाँ पर जो बोर्ड्स हैं 3 साल की कंडीशन होती है कि 3 साल के अंदर अंदर कोई करेक्शन करवाना तो करवा लो, लेकिन ये करेक्शन नहीं, आपको ये कंप्लीट नेम चेंज होता है, तो वहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर वो मांगते हैं। तो कोर्ट के ऑर्डर के लिए आपको कोर्ट में यहाँ पे सूट फाइल करना पड़ता है, जो कि अगेन लेंथी प्रोसेस बन जाता है। तो इसका सलूशन भी क्या रहता है कि आप अपने पुराने मार्कशीट्स को पुराने नाम के साथ ही यूज कर सकते हो, चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। नया नाम डालिए जहां पर भी डालना, और साथ में जब भी उसकी वेरिफिकेशन होगी साथ में जो गजट की नोटिफिकेशन कॉपी आप उसको साथ में लगा दीजिए। इसी तरह से कोई सेल डीड है, कुछ भी है कोई, है ना, वहां पर ये चीजें आपका प्रॉपर काम करेंगे। जो गजट नोटिफिकेशन है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको कोई भी मना नहीं कर सकता, कोई भी इसको मना कर ही नहीं सकता, चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस चाहे पैन कार्ड, कोई भी इसको मना नहीं कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके आज काफ़ी सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज ओपन है, वहाँ पर अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। अगर पर्सनल हेल्प चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, अगर फाइल बनवानी है तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमसे बात कर सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगेन, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।